मैं निकेश ताराचंद शाह मादानी। निकेश जी, आप पे एक आरोप है कि 10,000 करोड़ का, क्या है पूरा वाकया, मामला और सेक्शन 45? आरोप था मेरे ऊपर काला धन का, कुछ जो कि एक इंडियन बैंक का था। ये सेक्शन 45 सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में जजमेंट सेक्शन 45 को रिमूव कर दिया था, और एक सेक्शन 45 ऐसा है कि बेल और जेल, इसके ऊपर अभी भी कई सारे हाई कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आ रहे हैं। लेकिन मैं तो एक ही कहना चाहूँगा कि जो भी न्यायपालिका हमारे और जो भी सरकार का निर्णय होगा वो मुझे मंजूर होगा। सेक्शन 45 के ऊपर कई लोगों को बेल मिली है, कई बड़े नेता जैसे कई बड़े बिजनेसमैन वगैरह को बेल मिल रही है, और जो भी है निर्णय सरकार और न्यायपालिका का होगा वो मुझे मंजूर होगा। क्या है ये सेक्शन 45, क्या है जरा उसके बारे में विस्तार से बताएं, बिकॉज क्या आम जनता को ये 45 नहीं नॉलेज में है, जानकारी में है, क्या है ये 45 सेक्शन 45 PMLA ED इन्फोर्समेंट डायरेक्टर सेक्शन 45 कलम थी, जिसके अंदर बेल और जेल का ऑप्शन दिया गया कि बेल ना दी जाए और जेल में रखा जाए, जल्द से जल्द बेल नहीं मिलती थी। तो अभी ये सेक्शन 45 को रिमूव दिया गया कि जो लोगों को बेल दी जा रही है और लोगों को उसमें बेल मिल जाए। ये मेरा जजमेंट आया था निकेश ताराचंद शाह, 23 नवंबर 2017 को जजमेंट आया था, लेकिन आज 2020 है, ये 2020 तक ये एक कंटिन्यू चल रहा है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री बुक हो गया है और ये इतिहास में नाम लिखा गया है। तो ये डेफिनेटली अच्छा ही था ना, 45 अगर था तो लोग अगर जो काला धन इकट्ठा करते थे, खौफ था उनके अंदर के हाँ हमको जेल हो सकती है, तो अच्छा ही था ना। आपने क्यों उसको इसके ऊपर ये किया और क्यों हटवाया, क्या उसका रीजन क्या था उसके पीछे? नहीं, उसके अंदर ऐसा था कि अभी अंडर ट्रायल के अंदर अभी तक केस में ये सीध नहीं हो पाएगा कि काला धन था या ना था, जो भी था तो उसको हम जैसे लोगों को बेल नहीं मिल रही थी, कई बड़े लोगों को बेल नहीं मिल रही थी, तो उसके ऊपर एक कानून लाया था। उसके लिए हमारे एडवोकेट जी माननीय सिंह, हिंदुस्तान के बहुत बड़े एडवोकेट मुकुल रोहतगी जी ने, विक्रम चौधरी जी जो भी हरियाणा के बहुत बड़े एडवोकेट हैं, साजिद सर और कई सारे ऐसे बड़े बड़े एडवोकेट हैं जिन्होंने ये कानून को चेंज करने के लिए काफ़ी मेहनत की और एक इसको जजमेंट को हिंदुस्तान के अंदर सबसे बढ़िया और सबसे बेस्ट जजमेंट लाया कि सेक्शन 45 के अंदर लोगों को जल्द से जल्द बेल मिल जाए। लेकिन इसके ऊपर कई ऐसी सरकार और कई कोर्टें हैं, जो हाई कोर्ट है, जैसे अभी रिसेंटली उड़ीसा कोर्ट ने भी ये किया है, और ये जज को, ये हमारे सेक्शन 45 को हटाया गया था हमारे सुप्रीम कोर्ट के माननीय श्री नरीमन साहिब जज जी ने, और इसके ऊपर अभी मैं एक रिसेंटली एप्लीकेशन भी डालने वाला हूँ कि ये आपने जो जजमेंट दिया था क्या ये जजमेंट सही था या गलत था डिसीजन। वापस से अगर सेक्शन 45 अगर लागू किया जाता है तो उसमें आपकी क्या आपत्ति होगी, और क्या मतलब कुछ इम्प्लीमेंट करके, कुछ और सुधार करके उस कानून को फिर से इम्प्लीमेंट किया जाए तो उस पर क्या आपका राय है? सेक्शन 45 के अंदर अगर फिर से वो लागू कर दिया जाता है तो लोगों को फिर से शायद बेल कैंसिल हो सकती है लोगों की, और जो जो बेल पे है कई बड़े नेता, कई बड़े बिजनेसमैन, ये मेरे नाम का जजमेंट आया था निकेश ताराचंद शाह, तो इसके ऊपर तो न्यायपालिका का निर्णय ही मुझे मंजूर होगा। चलिए, और कुछ म्यूजिक एल्बम आपका आने वाला है, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस टाइप का है म्यूजिक एल्बम? कंपनी के साथ टाइप है जो कि काफ़ी फेमस है, काजल म्यूजिक प्राइवेट लिमिटेड, वो कंपनी के तहत मैंने कई सॉन्ग सारे रिलीज किए बॉलीवुड के, और एक पंजाबी सॉन्ग रिलीज किए। अभी मैं कुछ महीनों से सॉन्ग रिलीज नहीं कर पाए किसी कारण संजोग, तो अभी मैं फिर से कमबैक हुआ हूँ, और जल्द से जल्द मैं फिर से फाइनेंस के तौर पे एक अच्छे लव सॉन्ग, सैड सॉन्ग्स, पंजाबी सॉन्ग्स एंड अलग अलग रीजनल्स के सॉन्ग्स मैं लॉन्च करूँगा, और कई बॉलीवुड जो स्ट्रगल करते हैं हमारे एक्टर एक्ट्रेस जो मॉडल्स है जो उनको करते हैं, उनको मैं चांस दूंगा और उनको आगे लेके जाने की कोशिश करूँगा, और नए लोगों को चांस देने की मैं कोशिश करूँगा। किस टाइप का गाना आपको पसंद है अगर गाने की बात करें? लव सॉन्ग भी पसंद है, सैड सॉन्ग भी पसंद है, और मैं रैप सॉन्ग अभी नहीं ला रहा हूँ, पर मैं जल्द से जल्द लव सैड और कुछ बड़े बड़े सॉन्ग ला रहा हूँ, जैसे कि शिव शंकरा के ऊपर एक भगवान के ऊपर भी ला रहा हूँ, फिर यारो दोस्ती के ऊपर ला रहा हूँ सॉन्ग, फिर मैं कहीं एक वेब सीरीज भी ला रहा हूँ, और एक मराठी मूवी भी मैं ला रहा हूँ मार्केट में, एज ए फाइनेंसर मैं उसमें आ रहा हूँ, इसमें स्टार कास्ट वगैरह जल्द से जल्द फाइनल हो जाएगी और जल्द से जल्द मैं लॉन्च करूँगा। अभी मेरे कुछ गाने होपफुली नेक्स्ट मंथ 2021 में शुरुआत में मेरे गाने रिलीज होने वाले हैं। कभी हम आपको अभिनय करते हुए भी देख पाएंगे पर्दे पर? अभिनय करते हुए तो नहीं देख पाओगे, पर एज ए प्रोड्यूसर एंड फाइनेंसर मुझे आप जरूर देखोगे। कोशिश करूंगा कि अभिनय का रोल करूँ, पर मैं नए लोगों को चांस दूंगा जो हमारे यहाँ स्ट्रगल है, जो मेहनत कर रहे हैं, और मैंने उनको कई बार देखा है, कई लोगों को ऐसे जो काफी लोग मेहनत करते हैं। कुछ किसी ने आरोप लगाया था आपके ऊपर, क्या था मामला वो जरा बताएं। ये मैंने भी अभी रिसेंटली देखा कि इंस्टाग्राम पे मेरे खिलाफ, मेरे अगेंस्ट में काफी गंदा लिखा गया है कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, व्हाटएवर जो भी लिखा गया है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये गलत इल्जाम लगाया गया मेरे ऊपर। मैंने कई लोगों को ऐसे चांस दिए हैं, और वो जिन्होंने ये आरोप लगाया है उनके लिए हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, जिसके लिए मेरे पास फाइल बन चुकी है,
और हम जो भी करेंगे कानूनी कार्रवाई के तौर पे करेंगे, और ये फाइल के अंदर उनके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और सारे प्रूफ है मेरे पास, और जल्द से जल्द उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। और जो हमारी न्यायपालिका और हमारी महाराष्ट्र पुलिस है उनके ऊपर मुझे पूरा भरोसा है कि मुझे जरूर ना जरूर न्याय मिलेगा। और जो मेरे ऊपर आरोप लगे हुए दरअसल गलत है, और हमारा अभी अंडर ट्रायल भी चल रहा है, मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई है। जैसे कि कहते हैं ना कि बंटी और बबली को मैंने मूवी में देखा था, लेकिन आज मेरे को ये चीज देखने के बाद हकीकत में पता चल रहा है कि बंटी और बबली रियल में भी है। अच्छा, अगर बात करें आरोप की बात करें तो किस तरह का आरोप लगाया आपके ऊपर, जरा खुल के बताइए। ये आरोप है कि फिलहाल अभी तो अंडर ट्रायल चल रहा है, मैं इसके ऊपर ज्यादा नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये आरोप लगे हैं। जो भी हमारे न्यायपालिका के ऊपर, मुझे पूरा भरोसा है मुझे न्याय मिलेगा। मेरे ऊपर काफ़ी गलत गलत तरीके के आरोप लगाए हुए हैं, एक फैमिली है उन्होंने आरोप लगाए मेरे ऊपर काफ़ी गलत तरीके के, उनका उनके सारे दस्तावेज और प्रूफ जो भी है मैं जल्द मीडिया के सामने पेश करूंगा, और उनकी काफ़ी रिकॉर्डिंग मेरे पास है वो भी जल्द मीडिया के सामने मैं पेश करूंगा, और लोगों को दिखाऊंगा कि बंटी और बबली मूवी में देखे थे लेकिन हकीकत में भी बंटी और बबली है, जो कि बदनाम करते हैं लोगों को, और एक बिजनेसमैन लोगों को बदनाम करते हैं और किस तरीके से उनको ब्लैकमेल करते हैं। चलिए, अगर बात करें बदनामी की, तो क्या ये जो आरोप आप पे लगे, तो ये आरोप क्या उन्होंने पुलिस स्टेशन में आपके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई है, कहीं पर शिकायत कराई है, जिसके वजह से आपको पता चला कि सर? नहीं, ये एक इंस्टाग्राम पे मेरे को अभी रिसेंटली पोस्ट पता चली है मेरे ग्रुप के मेरे लोगों ने, जो बताया कि निखिल जी आपको बदनाम करना चाहते हैं ये लोग, आपके ऊपर इस तरीके से इंस्टाग्राम पे उल्टा सीधा डाला गया है। तो ऑलरेडी उसके पहले मेरे ऊपर एफआईआर हो चुकी थी, और उसका मेरा कोर्ट में मैटर चालू है, अंडर ट्रायल चालू है, मुझे न्यायपालिका पे और महाराष्ट्र पुलिस पे पूरा भरोसा है कि मुझे न्याय मिलेगा।